आयशा खान के बारे में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। मुनव्वर फारूकी के ऊपर उसने बहुत सारी उंगलियां उठाई कि मुनव्वर ऐसा आदमी है, मुनव्वर वैसा आदमी है, मुनव्वर जो है मुझे प्रपोज कर रहा था, वगैरह वगैरह बातें। मैंने आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए ट्वीट करके इसके बारे में जस्ट थोड़ी सी बात बताई थी, और मैंने बताया था कि क्लाउड चेजर को मैं चेज नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुनव्वर के ऊपर इस तरीके की उंगली उठा रही है जिसका नाम है आयशा खान। तो अब एक ऐसी गॉसिप मेरे हाथ लगी है जिसके बारे में जान के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। या तो यही चीज़ है कि आयशा खान जो चीज़ चाहती थी वो चीज़ जो है सक्सेस हो चुकी है, और मुनव्वर का नाम लेके ही सक्सेस होनी थी, इसीलिए मुनव्वर के बारे में ही ऐसी चीज़ें बोल के वो सक्सेस हो चुकी है। अब वीकेंड के वार के सेट पे देखा गया है आयशा खान को। अब आयशा खान एज अ वाइल्ड कार्ड घर में एंट्री लेने वाली है, या एज अ गेस्ट आ रही है, या कुछ बातें क्लियर करने के लिए आ रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रही है जो कि मुनव्वर की गेम को और भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट कर दे। कुछ भी हो सकता है, पर आयशा खान को बिग बॉस 17 के सेट पे देखा गया है, जो कि बहुत ही बड़ी एक गॉसिप मेरे हाथ लगी है। अगर इसको वाइल्ड कार्ड भेज दिया गया अंदर, तो मतलब कि जो ये क्लाउड चेजर जो चाहती थी वो ही चीज़ हुई। मैंने इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि मुनव्वर कैसा है। मुनव्वर ने नाजिला के बारे में भी शो में लग्जरी चीज़ें लेते हुए नाजिला का नाम लिया, बिकॉज एक चिप्स के साथ अब उसकी गर्लफ्रेंड की यादें जुड़ी हुई थी। उसके बाद जो है आप लोगों ने मेरी बातें भी समझी। अभी आप बताइए, मेरा काम है ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना, आपका काम है मुझे ये बताना कि आपके दिल में क्या चल रहा है ये सब बातें सुनने के बाद। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।